उत्तर प्रदेश की राजधानी में नगर निगम जहां अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रहा है, तो वहीं गरीबों पर नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर चलता नजर आया। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजधानी के उतरठिया फुटपाथ के किनारे रह रहे लोगों के झोपड़ पट्टियों पर नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि किस तरह से जोन 8 के नगर निगम प्रशासन ने उनकी एक भी ना सुनी और झोपड़ पट्टियों को उखाड़ कर फेंक दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि उनके झोपड़ पट्टियों में रखे हुए सामान को भी हटाने का मौका प्रशासन ने नहीं दिया। वहीं हमारे संवाददाता ने बात की लोगों से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके रुपए पैसे जो रखे हुए थे उसको भी नगर निगम ने क्षति पहुंचाई और झोपड़ पट्टी में रखे हुए सभी सामान को तोड़ दिया। देखिए किस तरह से राजधानी के उतरठिया में चला नगर निगम का बुलडोजर गरीबों। पानी न डालो, पानी न डालो, तू छोड़ छोड़ो वीडियो बना लो, कल सब लोग बात वहाँ तो पूरा खाली था यार, उतना खाली अंदर ही अंदर था, इसलिए हटा लिए थे आधा ज्यादा माल। आप देख रहे होंगे जिस तरीके कोरोना महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी सरकार ने आदेश दिया था कि कोई भी घर से बाहर ना निकले और अपनी जीवन सुरक्षा के लिए साथ दे। लेकिन वहीं पर आप देख रहे होंगे जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने जनता के खाते में लॉकडाउन के समय पैसे भी डाले थे, उसके बावजूद भी लोग अपना गुजारा बसर कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, आप देख रहे होंगे पीछे जो मार्केट पूरी बनी हुई है, गरीब लोग थे झोपड़ी जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसके बावजूद भी इन लोगों को सूचना देने के बाद हल्के से खाली इन्फॉर्मेशन किए थे और बगैर बता ही तोड़ने लगे। अब ये लोग किस तरीके से हैं, क्या समस्या रही इनसे, हम बात करते हैं अधिक जानकारी के लिए जो हमारे साथ हैं इनसे कि क्या समस्या रही, क्या है आपका पूरा नाम बताइए।
हमारा मोहम्मद रफीक। अच्छा बताइए, ये नगर निगम लोग आए थे क्या बगैर बताए तोड़ दिया कैसे? बगैर बताए हुए, कुछ बताए नहीं, सूचना भी नहीं दिया और तुरंत तोड़ दिया हम लोगों की मड़ैया। अच्छा, तो कुछ बताया नहीं, किसी चोट तो नहीं लगी? चोट लगी, दो तीन औरतें घायल हो गई हैं। अच्छा, दो तीन औरतें घायल हो गई, एक औरत हॉस्पिटल उठ के गई है। अच्छा हाँ, उसके बाद और कुछ बोल रहे थे? और कह रहे थे यहाँ सब हटा ले जाओ, सारा सामान हटा लो यहाँ से। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? हम लोगों को सारा नुकसान तोड़ दिया, सारी झोपड़ी थी सब टूट गई। आप देख सकते होंगे अगल बगल, ये देखिए पूरी ये मड़ैया है, जो गरीब लोग जो मड़ैया थी वो धराशायी हो गई है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से गरीब परिवार है, ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए रात दिन परेशान थे। उसके बावजूद भी कोरोना महामारी के चलते सरकार ने जिस तरीके से दिया था कि अब ये देखिए, देखिए कुछ महिलाएं भी इनसे हम बात करते हैं, क्या है क्या सारी सामान हाथ टूट गए, निकाले हाथ जोड़ रहे थे कि निकाल लें। अच्छा, निकाले नहीं देंगे। अच्छा, फिर भी निकाले निकाल नहीं दिया, कहीं हटो हटो नहीं दबा देंगे। अच्छा हाँ, किसी की चोट नहीं लगी? क्या नुकसान हुआ? नहीं लगी, खाली हमारे सारी सामान। अच्छा, क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान का हमारा सामान घूमती सब तोड़ दिया, बताओ रोड पर पड़े हैं। अच्छा, कितने यहाँ रह रही थी? अरे हम कहेंगे 25 साल। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके जो यहाँ? हमारे 6 बच्चे हैं। तो इनका मड़ैया टूट गए, कैसे गुजर बसर होगा? असर तोड़ के चले गए, बताओ रोजी रोटी कैसे खाएं? चलिए ये देखिए, इन्होंने खुद साफ कह रहे हैं कि मड़ैया तोड़ दिया गया, नहीं जो इनका जीवन यापन का सहारा था उसे धराशायी कर दिया गया। और भी कुछ हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, अब इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इनका किस तरीके से नुकसान हुआ है, कि आखिर गरीब आदमी आखिर जाए तो कहाँ जाए। अब देखिए, अब हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, ये देखिए, ये चीनी मिट्टी की दुकान थी, चीनी मिट्टी की दुकान थी, और जो कि ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। और भी हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। किस चीज़ की दुकान है आपकी? टेडी बेयर हेलमेट की दुकान है। तो क्या हुआ, नगर निगम ने कुछ बताया था? बिना बताए के तोड़ फोड़ दिया, बिना बता के। एक बार दिया था ऑर्डर दिया था हटा दीजिए, लेकिन दोबारा आया, टाइम नहीं दिया, पूरा सामान की नुकसान हो गया फिलहाल। अच्छा। बहुत सामान की नुकसान, बहुत पैसे लोग, लेकिन हम लोग को टाइम, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए? हम लोग कहाँ रहने वाले? मैं कलकत्ता का निवासी हूँ। कितना दिन से रह रहे? या मैं कम से 15-20 साल से रह रहा हूँ, 15-20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन फिलहाल हम लोग को टाइम देना चाहिए, जे 2-4 महीना 5 महीना टाइम दे, हम लोग कहीं एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अचानक आया तो डाला। अब बताइए, गरीब आदमी बीवी बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, क्या खाऊ क्या मरू, एक किराया कैसे दे दो बताइए। तो कितने से यहाँ काम कर रहे थे रोड पर? रोड पर काम 15-20 साल हो गया, इसी जगह पे हो गया था। है आपके जिससे जीवन यापन? हमारा तो 2 बच्चा है, बीवी है, पूरा फैमिली इसी दुकान पे चलता है। आप बताए के चोरी करो डाका डालो सरकार को, मैं यही वो करता हूँ, जे हम लोग क्या कर सकते, कौन सा हम लोग को जगह दीजिए, हम चला जाए, हम लोग क्या हमको भीख मांगो, क्या कर सकते हो बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, ये देखिए आप देख रहे होंगे जिस तरीके से ये दुकानें रही, आप देख रहे होंगे, ये देखिए दुकानदार हैं, ये लोग अपना सामान टूटा हुआ जो बचा हुआ है उसे हटा रहे हैं। भाई साहब इधर आइए जरा एक मिनट, अब इनसे देखिए, दुकान वाले हैं तो इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या समस्या थी इनकी। यह देख सकते हो आप, आपके सामने ही है जो भी है। अच्छा, कितना लगभग नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 1 लाख रुपये तक हो गया होगा। अच्छा, तो इससे कितने लोगों को गुजर बसर चलती थी? यह पूरे घर की चलती थी इससे तो। अच्छा चलिए, देखिए आप देख रहे होंगे जिस तरीके से ये दुकान नहीं, बाकायदा ये देखिए चीनी मिट्टी की दुकान है जिससे गरीबों का आसियाना घर चलता था, दो तो वक्त की रोटी के लिए। लेकिन इस सरकार में जनता के लिए कोई सुविधाएं के लिए मुहैया नहीं कराई जा रही, और जनता के लिए अधिक से अधिक जो भी है जनता परेशान हो चुकी है। अब देखिए और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए, अभी हम बात करते हैं। देख रहे होंगे जिस तरीके से अभी इन दुकानदारों से बातचीत की गई है, देख रहे होंगे जिस तरीके से कि कोरोना महामारी के चलते इन गरीबों के आसियाने को तोड़ दिया गया। सरकार कहती है कि इनको आवास दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ आवास तो आवास, जो पट्टी थी उसे भी धराशायी कर दिया गया। आखिर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आपने देखा होगा जिस तरीके से ये अपनी पीड़ा सुना रहे थे, उसके बावजूद भी सरकार कोई सुनवाई नहीं करना चाहती है। अब देखते हैं आखिर इनका कि सरकार इन पर क्या संज्ञान लेती है, और आखिर इन गरीबों को क्या सुरक्षा मुहैया कराती है।